हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा यादव एंड हर जर्नी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिवैयाँ, वो भी कौन सी, नमकीन सिवैयाँ। जी हाँ, नमकीन सिवैयाँ इतनी टेस्टी कि हम नूडल्स और मैगी खाना भूल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे किचन से आप लोग हरियाली को देख लीजिए। जी हाँ, सुबह का नज़ारा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने सिवैयाँ को उबाल लिया है। मेरे पास आधा किलो थी जिसमें से मैंने 250 ग्राम लिया है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और गाजर को लंबे जूलियंस में कट कर लिए, हरी मिर्च कट कर ली और प्याज मैंने कट करके रख दिया है। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी और मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया, 2 टेबलस्पून रिफाइंड है। अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले प्याज और मिर्च, जिसे हम सौते होने देंगे। इसमें बहुत ही कम मसाला है, मिनिमम इंग्रेडिएंट है, मिनिमम मसाला है, कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं है। आप इसमें और हरी सब्जियां डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू है गाइस। आप इसमें हरी मटर भी डाल सकते हैं, कोई भी और भी बंदा भी डाल सकते हैं। वो हो गया, जब हमारे 2-3 मिनट बाद जब हमारे जो प्याज हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें अपनी वेजिटेबल डाल देंगे, मतलब जो मैंने शिमला मिर्च और गाजर्स के जूलियन कट किए थे वो डाल देंगे और हल्का सा नमक इसमें डाल देंगे कि हमारी जो सब्जियाँ हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारे गाजर थोड़े से सही से पक जाए, इसलिए हमने डाल दिया। हमारी जो यहाँ पे जो हमने नमकीन सिवाई ली है, ये मीठी वाली सिवाई होती है जो छोटे छोटे टुकड़े में मिलती है, वही वाली है और कुछ नहीं। यहाँ देखिए 3 मिनट के बाद आप इसको फिर से स्टर कर लीजिएगा। हमारी देखिए, हम चेक कर रहे हैं, ये पक गई है, ये मॉर्निंग का टाइम है। देखिए धूप कितनी अच्छी आ रही है। अब इसे ब्रेकफास्ट में खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे मैं हेल्दी यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर लाल मिर्च पिसे हुए पसंद है, आप इसमें ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें सॉस भी डाल सकते हैं, मगर आप इसमें सिर्फ हल्दी डालेंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी सिवैयाँ डालूँगी। ये सिवाई जैसे आप नूडल्स उबालते हैं और फिर उसमें हल्का सा ऑयल लगा के रख देते हैं, वैसे ही रहेगी और उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप इसमें बस सॉल्ट मत डालिएगा, मैं नहीं डालती हूँ, कुछ लोग डालते हैं। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने नमक थोड़ा सा डाला था सब्जियों को पकाने के टाइम पर, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे और थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च डालेंगे और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। अगर आप इसमें चाहें तो चॉप्ड कोरिएंडर भी डाल सकती, हरी धनिया भी डाल सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। जैसे कभी आपने पोहा खाया तो आप मीठी सिवाई की जगह नमकीन सिवाई ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। ये देखिए, इसको बनने में मिनिमम 15 मिनट लगेगा। आप जहाँ जब तक आपका सिवाई उबल रही है वो उतनी देर में आप अपनी चॉपिंग कर लीजिए। आपके पास शिमला मिर्च है नहीं, आप प्याज डाल के हल्का सा इसमें से मसाला डाल दीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें हरी मटर भी डाल सकती हैं आप लोग, कोई भी हरी सब्जी आप इसमें डाल सकती हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए खांसी आ रही है, अवॉइड करिएगा। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। आप इसे नूडल्स और मैगी की जगह आप ये खाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। इसमें आटे की भी आती है, रवे की भी आती है, आपको जैसे लेना है वैसे। अब यहाँ पे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे कि हमारा हर जगह से नमक और जो हरी लाल मिर्च पीसी डाली थी वो मिल जाए। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है, हम गैस ऑफ कर देंगे। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें गाइस, रियल सब्सक्राइब करें शिखा यादव और हर जर्नी के चैनल को। आप इसे चाय के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट है इसका। अब देखिए यहाँ पे मेरा बन गया, अब मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी और ऐसे ही आपके साथ मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें शिखा यादव एंड हर जर्नी। देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है। इवन आप इसमें जूलियंस में टमाटर भी, लंबे टमाटर भी कट करके डाल सकती हूँ। आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसे ही बना सकती हूँ, मगर कम से कम नमकीन सिवाई ट्राई तो करें, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगेगा आपको। आप मीठी सिवाई खाना भूल जाएंगे, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मैं ऐसे ही रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो शिखा यादव एंड हर जर्नी को सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।